मेरे पास कुछ भी नहीं है साहब, ना लैला के बारे में कोई खबर, ना ऐसा कोई डाटा। तू कर रहा था उसे ब्लैकमेल। उस बेचारी ने कहीं से जुगाड़ करके 2 लाख रुपए तेरे मुंह में डाले, लेकिन तब तक तुझे पैसों की और लालच हो गई थी। तूने और पैसों का मुतालबा किया होगा, किया था ना मुतालबा? नहीं साहब, नहीं नहीं मांगे थे? तूने मांगे थे और पैसे। जब वो नहीं दे सकी होगी तो उसने कहा होगा कि वो तेरी ब्लैकमेलिंग को सामने ले आएगी, जिसके डर से तूने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। यही हुआ? झूठ है ये साहब, गलत इल्जाम है मुझ पे। अब शोर शराबे से कोई फायदा नहीं है, चुप करके वो सारी चीजें मेरे हवाले कर दे, जिससे ये साबित होता है कि उस लड़की के बहुत सारे मर्दों से ताल्लुकात थे। कहाँ हैं वो सारे सबूत? असल बात मैं आपको बताता हूं, और अपने बच्चों के बल्कि अल्लाह रसूल की कसम के सच बताऊंगा, ब्लैकमेल मैं उसे नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, और इस बात का सबूत है मेरे पास, है मेरे पास सबूत। ये क्या बकवास है ये? हाँ क्या बकवास है? फरीद जी, इतने वक्त बाद तो आपका दीदार हुआ है। बकवास बंद कर और मुझे बताइए, तूने मेरी प्राइवेट तस्वीरें कहाँ से ली, कब ली तूने ये? आपकी तस्वीर ना मेरे दिल पर छा गई, उसको देखे बगैर ना मेरा सूरज ढलता है ना ही चंद चढ़ता है। ओ कितनी घटिया औरत है तू, अभी जाके तेरी करतूते तेरे मंगेतर को बताता हूँ। उस मौके को तो ना मुझ पर बड़ा भरोसा है, और वो अभी काम पे भी गया है, लेकिन ये तस्वीरें तुम्हारी अगर मैंने मोहल्ले सारे को दिखा दी तो तुम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बदकरदार औरत, क्या चाहती क्या है तू? तुम्हें अब क्या आंखों से दिल में उतारोगे? एक दो, 2 लाख रुपए। क्या? 2 लाख रुपए नकद दे दो, तस्वीरें मैंने डिलीट कर देंगी।